हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉगर रामर। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना पर्शियन कैट को लिटर ट्रेनिंग कैसे करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारा लोग हैं जिनका माइंड में चल रहा है कि हमें पर्शियन लेना है। पर्शियन लेने के बाद उन लोग का माइंड में है कि यार पर्शियन ले तो लेंगे, बट उसके बाद ये होगा कि मेरा घर गंदा हो जाएगा, मेरा पर्शियन यहाँ खुशू वहाँ पॉटी वॉटी करके गंदा कर देगा घर। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आप छोटे से में ही उसको अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग दो। अब बात आती है लिटर ट्रेनिंग के ऊपर। लिटर ट्रेनिंग क्या होता है? तो लिटर ट्रेनिंग में ये करना है, जैसे ही आप एक पर्शियन फॉर एग्जांपल लेकर अपने घर पे आते हो, उसके बाद आपको ये करना है कि एक ट्रे खरीदना है जो कि कोई भी पेट शॉप में आपको मिल जाएगा, और एक कैट लिटर बोलकर आता है। वो कैसा लीटर होगा हम आपको बाद में दिखा देंगे। मेरा एक्चुअली नेक्स्ट वाला रूम में लीटर रखा हुआ है, वो अलग अलग कंपनीज का होता है, बहुत सारा ऐसा ब्रांड का वो लीटर आते ही आप कोई सा भी एक लीटर ले सकते हो। 5 kg का भी आता है, 10 kg का भी आता है। तो वो लीटर आपको अपने ट्री पे कैट के ट्री पे डाल देगा, और उसके बाद बेसिकली उसको कोई एक ऐसा जगह प्लेस कर देना है जहाँ वो कन्वीनियंट हो। लाइक आपका कैट कहीं भी हो आपके फ्लैट में या घर पे, तो वो उस जगह जा पाए इजी। अब दूसरा चीज़ है कि अब आपको उसको खाना खाने के बाद, स्पेशली उन लोग को पॉटी आता है या यूरिनेट होता है, तो उस टाइम पे क्या करना है, आप लोग को अपना कैट को लेकर चले जाना वहाँ पे और उसे यूरिन मैंने लाइक स्मेल करवा देना है वो जगह। तो जब वो लोग स्मेल कर लेंगे ऑटोमेटिकली वो लोग फिर उसी पे करने शुरू कर देंगे अपना पॉटी भी और अपना यूरिन भी, क्योंकि कैट का एक हैबिट होता है उन लोग को, मतलब पॉटी करने के बाद में पहले तो वो एक होल टाइप कर देते हैं और उसके बाद में फिर पॉटी या यूरिन करके उसे ढक देते हैं। तो ये चीज़ कैट लिटरी में पॉसिबल है होना, जो कि ये लोग करते हैं। जो लास्ट एंड द लीस्ट जब वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो ये है कि कैट का जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लाइक अगर आपका कैट न्यूली आपके घर पे आता है और वो कहीं पर भी अगर मतलब लाइक फर्स्ट टाइम है वो पॉटी कर दिया या यूरिन पास आउट कर दिया, तो उसके बाद वो सूंघ लेता है उस पर्टिकुलर एरिया को। और अगर आप ये लीटर नहीं रखोगे ना, तो आपका वो वापस से जाके बार बार उसी जगह पे यूरिन और पॉटी करता रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एक कैट लीटर ले लो और लीटर ट्रे ले लो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपका घर भी इस तरीके से गंदा नहीं होगा और आपका घर भी साफ रहेगा। एक छोटा सा क्लिप है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि मेरा भी जो पर्शियन है वो लूसी एंड डेजी, वो लोग किस तरीके से पॉटी करता है, वो भी आप लोगों को भी एक दिखाई मिल जाएगा कि वो लोग एक कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए, अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।